सागर जिले के मोती नगर थाना क्षेत्र में प्रशासन ने एक दाल फैक्ट्री पर दबिश देकर पीडीएस सप्लाई के लिए अनुबंधित वाहन से 175 बोरी चना को संदेह के आधार पर जब्त किया है। पीडीएस के तहत खरीदा गया चना अवैध रूप से मिल में उतारा जा रहा था। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता महेश साहू की यह दाल मिल है। रात के अंधेरे में पीडीसी सप्लाई के लिए प्रयुक्त वाहन से दाल मिल पर चना उतरवाया जा रहा था। मंडी प्रशासन और फूड विभाग से मिली शिकायत पर एसडीएम ने दबिश देकर पीडीएस बैनर लगे ट्रक से चना खाद सामग्री की बोरियां उतारते पकड़ा। वहीं जब इस संबंध में अनाज व्यापारी से जानकारी मांगी गई तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। फिलहाल प्रशासन ने अनाज को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। निरीक्षण पाया गया है कि यहाँ पे 175 बोरा जो था चना यहाँ पे उतारा जा रहा था, तो उसी संबंध में हमने मंडी उप निरीक्षक से यहाँ पर इस ट्रक को पंचनामा बनवा लिया है और इसके रिकॉर्ड को, जैसे उन्होंने बताया कि ये मंडी से आया है, तो उसके अनुसार वहाँ पे स्टॉक पे हम आगे इसका कल पूरा कितना खरीदी हुई उसका मिलान किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही जो फूड से भी इंस्पेक्टर आ गया है तो वो भी जो आवश्यक दस्तावेज हैं उसका अवलोकन कर रहा है, तो कल जो पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी उसके बाद ही हम आगे का आपको बता पाएंगे। छापा नहीं पड़ा मंडी से, हमारा मंडी नीलामी से जो चना खरीदा था वो हमारे मिल पे उतर रहा था। यहाँ पे अधिकारी लोग आ गए, उन्होंने बोला कि कहाँ से मारा है, उन्होंने बताया मंडी से मारा है। क्या कार्रवाई हुई होगी, कार्रवाई करके माल उतर रहा था, कुछ माल उतर गया था, कुछ माल गाड़ी में रह गया था, तो उनका कहना ये था कि इसको पंजनामा बना के मंडी में खड़ी कर दी गाड़ी।